दोस्तों मंडे का दिन है, सुबह का टाइम हो रहा है और बच्चे की छुट्टी, हस्बैंड की भी छुट्टी, सभी लोग साफ सफाई करने में लगे हुए हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। ब्लॉग में कंटिन्यू रहिए और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स चलते हैं ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट, वीडियो में कंटिन्यू रहिए। दोस्तों देखिए यहाँ पर मैं किचन में बना रही हूँ खाना, सुबह सुबह का टाइम है, मैं बना रही हूँ चावल और कढ़ी, और देखिए पकोड़े वाली कढ़ी में बना रही हूँ। अरे करना करना हाय करना, अरे दूर और देखिए फ्रेंड्स पकौड़े मेरा बनकर तैयार हो गया है और चावल भी मैंने कुकर में चढ़ा दिया है और इधर दही और बेसन सबको घोल के मैं बनाऊंगी कढ़ी। मेरे घर में सबको कढ़ी चावल बहुत ही पसंद है और ख़ास करने गर्मी में सादा ही अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स मैं अभी बना रही हूँ। नीचे नहीं करेगा, नीचे बोल देना है। फ्रेंड्स बच्चे लोग साफ सफाई में लगे हुए हैं, ये देखिए फाइनली देखिए हम लोग खाना खाने के लिए आ चुके हैं, साफ सफाई करके चावल कढ़ी सलाद प्याज और दही बूंदी का रायता। गाइस हम लोगों ने खाना पीना खा लिया है और खाना तो सिंपल ही मैं बनाई थी, मैं ज़्यादा कुछ बनाई नहीं थी। तो हम लोग खाना खा चुके हैं, सबको खाना पसंद भी आया और गर्मी में जो है ना कुछ सादा ही खाने का मन होता है, तेल मसाला खाने का मन भी नहीं होता है। और मैं कहती हूँ कि गर्मी में खाना भी नहीं चाहिए ज़्यादा तेल मसाला वगैरह। तो हम लोग खाना पीना खा लिए हैं और फ्रेंड्स क्या करूँ, मेरे बच्चे का ये जहाँ जाता है वहीं पर खिलौना लेता है, इतना खिलौना खरीदता है और उससे मैं दुखी हो गई हूँ। खिलौना अगर टूट जाए ना तो फेंकना भी नहीं चाहता है। मैं कितनी बार बोलती हूँ कि बेटा खिलौना जो है ना फेंक दो, खराब हो गए, लेकिन फेंकता नहीं है और इसी वजह से जो है ना लगता है जैसे घर कबाड़ा बन गया हो। तो मैं सारा खिलौना को अलग रख ली हूँ और देखती हूँ जब ये इधर उधर होगा ना तो जो खिलौना खराब हो गया है उसे मैं फेंक दूँगी, क्योंकि मैं क्या करूँ, बच्चे को सामने अगर फेंकने लगो ना तो वो रोता है और फेंकना ज़रूरी है क्योंकि घर भी गंदा लगता है इस वजह से। और सारा खिलौना यूज़ में अगर आए ना तो फिर मैं चलो मैं रख दूँगी, सारा खिलौना यूज में भी तो नहीं आता है, वो ऐसे ही पड़े रहते हैं और डस्ट उसमें होता है और सफाई करो रखो सफाई करो रखो। और बच्चे जब बड़े हो गए तो उस खिलौने का क्या यूज है, अगर मैं किसी को दे दूँगी ना गरीब बच्चे को तो वो यूज भी करेंगे, खेलेंगे भी, खुश भी होंगे, यूज भी होगा खिलौने का। तो इसीलिए मैंने सारा खिलौना को इकट्ठा करके अलग कर लिया है, जो इन लोगों का खेलने का था वो मैंने उसमें रख दिया है। तो फ्रेंड्स यही सब काम मैं करते रहती हूँ, क्या करूँ, ये सब काम करना भी बहुत ज़रूरी है, घर की साफ सफाई। और कहते हैं ना कि घर में क्या करते हो तुम लोग, तो देखिए फ्रेंड्स आप लोग देख ही रहे हो घर में कितना काम होता है, कितना भी सफाई कर लो ना घर फिर वैसे का वैसे ही लगता है।
लेकिन हम लोगों का काम है कि कोशिश करते रहना है, घर को नीट एंड क्लीन रखना है, तो मैं उसी कोशिश में मैं लगी हुई हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो में कंटिन्यू रहिए, और आप लोग जैसा जानते हो कि मैं एक वीडियो में एक मैं रेसिपी आप लोगों को दिखाऊंगी, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, तो आप लोग वीडियो को देखिए, एंड तक देखिए, ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ही टेस्टी लगेगी, अच्छी लगेगी, और आप लोग ज़रूर ट्राई करना, और ट्राई करके कमेंट करना कि कैसा बना था और अच्छी लगी थी कि नहीं लगी थी। और मैं गारंटी से कहती हूँ कि ये रेसिपी आप लोग सभी को बहुत ही टेस्टी लगेगी, और ये हेल्दी रेसिपी भी है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं किचन में, ब्लॉग में कंटिन्यू रहिए। देखिए, यहाँ पर मैं बना रही हूँ कचौड़ी। तो इसके लिए मैंने लिया है 1 कटोरी आटा, 2 चम्मच सूजी, अजवाइन क्रश किया हुआ, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, नमक, और इसमें मैं डालूंगी देसी घी, मीन शुद्ध घी। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। मोइन में आप तेल भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने घी डाला है, और इसे अच्छी तरीके से मिला लेना है। इससे कचौड़ी बहुत ही खस्ता बनता है। फिर इसमें पानी डालकर इसका डो बना लेना है। तो पानी जो है ना, एकदम ही कम डालना है, ताकि ये जो डो है ज़्यादा गीला नहीं हो, मीन्स थोड़ा सा हार्ड ही हो, क्योंकि ज़्यादा गीला होने पर कचौड़ी अच्छी नहीं लगेगी। और देखिए, आटा बनकर तैयार है। इसे मैं ढक दूंगी, रेस्ट करने के लिए रख दिया है मैंने। अब मसाले के लिए मैंने लिया है साबुत, जीरा, सौंफ, लाल मिर्च, थोड़ा सा धनिया, साबुत धनिया लिया है। इसे ग्राइंड कर लेना है, ज़्यादा पीसना नहीं है, और ग्राइंड जो है ना करके तैयार हो चुका है। अब तेल में मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा हींग, और हींग डालने के बाद मैं जो मसाला तैयार की हूँ वो डालूंगी, क्योंकि ये मसाला कच्चा है, मैंने ड्राई रोस्ट नहीं किया था, इसीलिए इसे अच्छे तरीके से भूनूंगी ताकि ये भून जाए। उसके बाद इसमें डालूंगी 2 चम्मच बेसन, और बेसन को भी अच्छे तरीके से भूनना है, तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। फिर इसमें मैं डालूंगी क्रश किया हुआ मेथी, कसूरी मेथी, इससे भी टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप धनिया पत्ता भी डाल सकते हो। इसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ बॉयल्ड आलू, 2 बॉयल्ड आलू को मैंने कद्दूकस कर लिया है, और इसमें मैं डाल दूंगी, इसको मैं फ्राई करूंगी। जब ये फ्राई हो जाए, फिर मैं डालूंगी इसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, आमचूर पाउडर, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और इसे भून कर तैयार कर लिया है, और जब ये ठंडा हो जाए तब इसके छोटी छोटी लुई या गोल बॉल का शेप मैंने दे दिया है, ताकि कचौड़ी में भरने में कोई परेशानी नहीं हो। और फ्रेंड्स, देखिए ये बनकर तैयार है। अब मैं ले लूँगी आटा, जो मैंने गूंथ के रखा था वो भी एकदम ही सेट हो चुका है। इसे अच्छे तरीके से पहले मल लूँगी, मिला लूँगी, फिर इसका एक लुई में तोड़ूंगी छोटा जैसा। जितना बड़ा कचौड़ी आप बनाना चाहते हैं उतना बड़ा ले सकते हो, मैं छोटी छोटी बनाऊंगी। तो एक लोई ले लिया है, और इसके अच्छे तरीके से मैं फैला लूंगी पूरी के शेप में, ताकि इसके अंदर फिलिंग को मैं भर सकूं। और देखिए ये बनकर तैयार है। अब इसमें एक आलू का बॉल जो मैंने बनाया था वो इसमें डाल दूंगी, और धीरे धीरे करके अच्छे तरीके से इसको मैं बंद कर लूंगी, ताकि स्टफिंग जो है निकले नहीं फ्राई करने पर। और जी, अब ये देखिए बनकर तैयार है। अब इसको हाथ में मैं लेके हाथों के हथेली पर ही इसे, हाथ के सहारे ही इसे पूरी का शेप मैं दे दूंगी, मींस कचौड़ी का शेप दे दूंगी। और देखिए ये बनकर तैयार है। इसी तरीके से मैं सारे कचौड़ी को बना लूंगी, उसके बाद मैं तलूंगी। तलने का भी एक ट्रिक है कि कचौड़ी को एकदम ही लो फ्लेम पे तलना है। ज़्यादा हाई फ्लेम करने पे बाहर से तो गोल्डन हो जाता है, गोल्डन ब्राउन, लेकिन अंदर से कच्चा रह जाता है। तो फ्रेंड्स, एकदम ही लो फ्लेम पे और धीरे धीरे इसे गोल्डन ब्राउन तक तलना है, और बहुत ही टेस्टी लगती है कचौड़ी, और खास्ता कचौड़ी बनी थी। बाहर से कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आटा की ये खस्ता कचौड़ी है, और बहुत ही टेस्टी लगा था। देखिए मैं तोड़ के दिखाती हूँ कितना खस्ता है।
ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम बिल्कुल बाजार की जैसी बनी हुई है। और सूजी डालने से क्या हो रहा है ना, ये जो कचौड़ी है ना, ये फूली की फूली रह रही है। ये जो है ना एकदम ही फूली कचौड़ी, ठंडे होने के बाद भी ये फूली ही रहेगी और बहुत ही टेस्टी लगा था, एक बार जरूर ट्राई करना। फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।